नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। सातवां वेतन आयोग, ये सिफारिश हुई लागू, जुलाई 2017 से मिलेगा एरियर, सरकार ने लगाई मोहर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, सेवन पे कमीशन तो लागू हो चुका है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर निर्णय लेना अभी बाकी था। सेवन पे कमीशन के रिकमेंडेशन के दौरान एक कमेटी बैठी थी 6 जुलाई 2017 को। कमेटी के अंडर चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी ने यह फैसला लिया था कि सेवन पे कमीशन के रिकमेंडेशन के अंदर कुछ अलाउंस थे, उनको हटा दिया गया था, लेकिन उनको अब यहाँ पर लागू किया गया है केंद्रीय कर्मचारियों व सैन्य कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों, वो क्या अलाउंस है जिसको अभी लागू किया गया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड द्वारा। दोस्तों, राष्ट्रपति जी के द्वारा जो नया अलाउंस लागू किया गया है, उनका लाभ रेलवे मंत्रालय के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए भी लागू हो रहा है और हमारे सैन्य कर्मचारी हैं उनके लिए भी लागू हो रहा है। इस लेटर के साथ एक और लेटर अटैच किया गया है, उसके साथ समझते हैं कि किस प्रकार यह अलाउंस रेलवे कर्मचारियों और सैन्य कर्मचारियों के लिए लागू हो रहा है। दोस्तों, DOPD ने यह लेटर जारी किया था 8 अगस्त 2018 को, लेकिन अब इस लेटर को जारी किया गया है। एक्टिंग अलाउंस जो सैन्य कर्मचारियों को दिया जाता था, ड्यूअल चार्ज अलाउंस जो रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है, इन दोनों अलाउंस को लेकर सेवन पे कमीशन ने अपनी सिफारिशें की थी। इन दोनों अलाउंस को बंद कर दिया जाए, इन दोनों अलाउंस को बंद करके एक नया अलाउंस बनाया जाए जिसका नाम एडिशनल पोस्ट अलाउंस रखा जाए, और सेवन पे कमीशन की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने मान लिया था और एडिशनल पोस्ट अलाउंस को लेकर कमेटी बनाई गई थी। इस मुद्दे को लेकर कमेटी काम कर रही थी और फिर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भेजी, फिर सरकार ने निर्णय लिया कि एडिशनल पोस्ट अलाउंस के नाम से एक नया अलाउंस बना है जो केंद्रीय कर्मचारियों और सैन्य कर्मचारियों को दिया जाएगा। DOPT का कहना है कि हम दोनों अलाउंस खत्म कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी के द्वारा एक नया अलाउंस एडिशनल पोस्ट अलाउंस लागू कर रहे हैं और वो अलाउंस रेलवे व सैन्य कर्मचारियों को इस प्रकार मिलेगा। दोस्तों, पहला पॉइंट है, आप सैन्य कर्मचारी हैं या रेलवे कर्मचारी हैं, आपको कहा जाता है कि आपकी ऑफिस की एक पोस्ट है उसकी ड्यूटी भी करेंगे और आपको जो हायर पोस्ट हैं उस पर भी आपको अपॉइंट किया जा रहा है। यहाँ पर एडिशनल ड्यूटी आपको दिया गया है, जो आपकी हायर पोस्ट है उसकी सैलरी है जो आपको देय होगी, आपको मिलेगी। अगर दोस्तों ये नहीं होता है तो आपको जो सैलरी मिल रही थी वो मिलेगी। इसके अलावा आपको 10% बेसिक पे हैं आपकी पोस्ट का, वो एज ए एडिशनल पोस्ट अलाउंस दिया जाएगा। कंडीशन बस यही है कि जो 10% एडिशनल पोस्ट अलाउंस है आपकी बेसिक सैलरी में से मिला के वो 2,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर आपको अपॉइंट किया जाता है किसी ऐसी ड्यूटी जो आपके लेवल की हैं, तो आपको जो बेसिक पे हैं उसका 10% आपको एज ए एडिशनल पोस्ट अलाउंस दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, कम से कम आपको 45 डेज के लिए अपॉइंट किया जा रहा है तब भी आपको ये अलाउंस पेड किया जाएगा। दोस्तों, अगर दोस्तों थोड़े टाइम के लिए आपको अपॉइंट किया गया है तो ये अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों, हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर को भी ये अलाउंस मिलेगा, चाहे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी में भी हो। अगर आपको कैप्टन की ड्यूटी के लिए अपॉइंट किया जाता है तो ये अलाउंस आपको मिलेगा। और इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों, आपकी जो पोस्ट है उससे लोअर पोस्ट का काम आपको एडिशनल अलाउंस में दिया जाता है, तो इसके लिए आपको एडिशनल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, ये जो अलाउंस है जो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होगा और साथ में दोस्तों इसका एरियर का भी भुगतान आपको किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे सभी रेलवे कर्मचारियों और सैन्य कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खुशी की खबर है कि उनको एडिशनल पोस्ट अलाउंस जो अभी लागू नहीं हुआ था और वो अभी सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे।